Merry Christmas to all my lovely viewers. Welcome back to my channel. Welcome back to a new blog. तो आज है क्रिसमस. आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो मुझे प्लीज बताना, और मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी. अभी मैं जाऊंगी कहीं घूमने के लिए. क्रिसमस है, घूमना तो बनता है. तो आप लोगों को कितने को पता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहां मैं रहती हूँ घाटशिला जमशेदपुर में एक छोटी सी जगह है जिसकी नाम है घाटशिला, जहां मैं रहती हूँ. और घाटशिला को माना जाता है एज अ टूरिस्ट प्लेस. लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं. बहुत सारी डैम है, वाटरफॉल्स है, पिकनिक स्पॉट है. बहुत सुंदर सी जगह है ये घाटशिला. उन्हीं में से एक स्पॉट आज मैं विजिट करूंगी घूमने के लिए, वेक को घुमाऊंगी और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी. स्पॉट बहुत सुंदर है. जाने वाली जो रास्ता है, रोड है, वो इतना ब्यूटीफुल है, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा. तो डिटेल्स में एक अलग सी ब्लॉग में बनाऊंगी उस स्पॉट के ऊपर, और डिटेल्स में आप लोगों के साथ पूरी स्पॉट शेयर करूंगी. प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक एंजॉय कीजिएगा. चलिए रेडी हो चुकी हूँ, अब निकल रही हूँ. बज गया है 9:30 और 9:30 से जर्नी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ. अभी गाड़ी में जाके बैठूंगी, फिर जर्नी स्टार्ट करूंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कितना टाइम लगता है. अभी 9:40 बज रहा है और अभी से मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ. मेरे घर घाटशिला स्टेशन के पास में ही है. अगर आप स्टेशन से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सेम टाइम लगेगा. जाते जाते थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो रोड है वो शेयर कर रही हूँ. बहुत ही सुंदर सा रोड है. रोड की दोनों साइड जंगल है. बहुत सुंदर लगता है, एकदम नेचुरल प्योर ब्यूटी जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा. देखिए कितना सुंदर यहाँ पे चास हो रहा है. ये है पत्ता गोभी का, बंद गोभी का. थोड़ा सा गाड़ी रोक के आप लोगों के लिए वीडियो करने के लिए नीचे उतर गई मैं. देखिए पूरा इधर इधर हर एक साइड बहुत अच्छा अच्छा वेजिटेबल्स का चास हो रहा है. वो देखिए पहाड़, इसी पहाड़ पर ही हम चढ़ेंगे अभी. ये देखिए यहाँ पे चास हो रहा है बैंगन का. ये देखिए टमाटर का चास हो रहा है. ये टमाटर, ये देखिए कितना सुंदर है ना. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे फूल गोभी का चास हो रहा है. थोड़ा सा गाड़ी रोक के आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए आ गई. देखिए इधर फूल गोभी का चास हो रहा है, पूरा भरा हुआ है. वो देखिए गाड़ी. तो चलिए चलते हैं. पहुंच चुके हैं हम बुरुडी डैम. अभी बज गया है 10, यानी 20 मिनट्स में हम पहुंच चुके हैं. चलिए अच्छी तरीके से स्पॉट को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. पहुंचने के बाद आपको गाड़ी रखने का जगह मिलेगा. आप वहां पे गाड़ी रख के इस तरीके से सीढ़ियों से आपको नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ की मेन स्पॉट है. इसी डैम को कहा जाता है बुरुडी डैम. इस डैम में जो पानी आपको दिखने को मिल रहा है, ये पानी एकदम नेचुरल बारिश की पानी है. बारिश की सीजन में यहाँ पे पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. यहाँ पे आपको बोटिंग करने का भी जगह मिलेगा, बोटिंग है. और पीछे जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वहाँ पर भी एक स्पॉट है. इस पहाड़ की एकदम ऊपर एक वाटरफॉल है जिसको कहते हैं धारागिरी.
जो कि प्लान में नहीं था। प्लान था कि बस बुरुडी ही घूमना है, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। अभी बुरुडी के बाद हम जाएंगे उस पहाड़ में, धारागिरी स्पॉट भी हम कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से शेयर करूँगी। और इस स्पॉट को आप देख लीजिए कितना सुंदर है ना, एकदम नेचुरल ब्यूटी, शांत पीसफुल जगह है। बहुत दिनों तक अगर आपको अच्छी तरीके से क्वालिटी टाइम नहीं मिला है तो गाइज यहाँ पे आ जाइए, 2-3 दिन के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरीके की घाटशिला में और भी बहुत सारी पीसफुल प्लेसेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पे पिकनिक मनाया जाता है। और जहाँ पे पिकनिक मनाया जाता है यानी कि कुकिंग होता है और खाना वाना खाते हैं, वो प्लेस एकदम अलग है। बुरुडी में ही है, थोड़ा अलग जगह बना के, क्योंकि गंध नहीं होगा, कचरा नहीं होगा, इसीलिए बुरुडी में वो जगह है। लेकिन थोड़ा सा दूर गाड़ी की मदद से आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक कर सकते हो। और इस जगह पे आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आप पिकनिक नहीं मना सकते हो, मतलब खाना वाना नहीं पका सकते हो। तो सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद आपको घूमते हुए जाना है पूरा। बहुत अच्छा एक जगह है, आप घूमिए, बहुत अच्छा प्लेस है, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि खाना कैसे खाया जाए, तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकान है जहाँ पे आपको नॉर्मल स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएगा और लंच आइटम भी आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ऑर्डर करोगे तो खाने का भी व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से है। लुक एट द प्लेस, कितना अच्छा है ना। और मैं मेरे बेटे के साथ यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो दुकान है ना, आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, इस दुकान पे आप कुछ भी खाना ऑर्डर कीजिए, ये लोग तुरंत आपको बना के देगा। बनाया हुआ नहीं रहता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये लोग आपको बना के सर्व करेगा। और जितना भी गाड़ी आपको दिखने को मिल रहा है, ये सब टूरिस्ट कार है, घूमने के लिए आए हैं। बहुत मैक्सिमम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं। देखिए हम लोग भी यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा सा स्नैक्स एंजॉय करने के लिए। और लंच भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको थोड़ा सा बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे घूमना हो गया है, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस जो कि यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर है। वहाँ पे हम जाएंगे, उस प्लेस को कहते हैं धारागिरी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। इस साइड पे हमें जाना है। बुरुडी से धारागिरी जाने वाली जो रोड है, जो रास्ता है, वो बहुत ही सुंदर है, फुल ऑफ नेचुरल व्यूज, समटाइम्स स्केयरी, एडवेंचरस। एक तरफ है गहरा खाई और दूसरी तरफ हम पहाड़ चढ़ रहे होंगे। और वहाँ पे एकदम जो स्पॉट है, एकदम स्पॉट पे हम नहीं जा सकते हैं, उससे थोड़ा देर पहले ही हमें गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा और बाकी का रास्ता हमें ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। और वो पार्ट, ट्रैकिंग पार्ट, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत मज़ा आता है। अगर आप बुरुडी आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो मैं रेफर करूँगी कि बुरुडी के साथ धारागिरी भी ज़रूर कवर कीजिएगा। इस साइड पे है खाई और इस साइड पे है पहाड़। पहाड़ चढ़ रहे हैं हम अभी, देखिए पहाड़। गाड़ी खड़ा करके वही देखने के लिए आ चुके हैं हम। देखिए छोटू पापा, ये नीचे खाई दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे एकदम खाई है और इस साइड है पहाड़। तो चलिए इधर से दिखा देती हूँ, एकदम नीचे गहरा खाई, इससे आगे मैं नहीं जा पा रही हूँ। देखिए इतना गहरा खाई है एकदम, और इस साइड है पहाड़। कोई दार्जिलिंग कोई भी हिल स्टेशन से कम नहीं है हमारा घाटशिला।
कभी जरूर आइएगा घूमने के लिए। ये देखिए पहाड़ के एकदम ऊपर चलेंगे हम अभी। हम पहुंच चुके हैं धारागिरी स्पॉट पे। धारागिरी वाटरफॉल्स की जो स्पॉट है उससे थोड़ी ही दूर में आपको गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा, इससे आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको चाय की एक छोटी सी दुकान मिल जाएगी, मैंने भी इधर थोड़ा सा चाय पी थी। और आगे करीबन 500 मीटर तक की रास्ता आपको पैदल ट्रैकिंग करते हुए जाना है। पहले तो आपको जंगल के अंदर से जाना होगा बहुत सावधानी से, थोड़ा सा स्केयरी है, एडवेंचरस है। और बाकी जितना भी हम स्पॉट के पास पहुंचते जाएंगे हमें पत्थर की रास्ता मिलेगा, और पत्थर की रास्ता जितना भी पार्ट है थोड़ा सा ध्यान से आपको जाना है। आप लोग देख के एक सुंदर सा व्यू मिलेगा, एकदम पहाड़ के अंदर वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा और बहुत ही स्केयरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो पानी उतना नहीं था क्योंकि दिसंबर महीना है, लेकिन अगर हम रेनी सीजन में आते, बारिश में आते, तो वाटरफॉल्स इतना गहरा हो जाता है कि जहाँ रास्ता पत्थर का जितना भी रास्ता आपको दिखने का मिलेगा उतना तक आपको पानी मिलेगा, उतना तक पानी चला जाता है, इतना मोटा पानी हो जाता है। अभी दिसंबर में उतना पानी नहीं था, लेकिन फिर भी जब हम अंदर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल प्लेस और स्केयरी प्लेस मिलेगा आपको। हम एकदम पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पहाड़ के अंदर जहाँ से वाटरफॉल्स होता है, और ये वाटरफॉल्स बारिश के पानी से ही होता है, इसका खासियत यही है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ देखिए, पत्थर के रास्ते में आपको थोड़ा थोड़ा पानी दिखने को मिलेगा, और बारिश के सीजन में ये पानी इतना बढ़ जाता है कि चल के आप आगे नहीं जा सकते, आपको वाटरफॉल्स इतनी दूर से ही इंजॉय करना पड़ता है। कभी बारिश के सीज़न में भी मैं ये स्पॉट ज़रूर कवर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए पत्थर की रास्ता ऑलरेडी चालू हो चुका है। यहाँ पे ट्रैकिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्नेक और ये सब का भी देख के आपको आगे जाना पड़ेगा। और एकदम एंड में जो व्यू आपको मिलेगा वो एकदम इतना ब्यूटीफुल है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज बने रहिए मेरे साथ। जरा देखिए अंदर हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के एकदम अंदर, यही है वाटरफॉल्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बारिश के सीजन में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि आप इतना दूर तक आ ही नहीं सकते हो। देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर, एक्चुअली ये पहाड़ के अंदर है। बहुत ज़्यादा सुंदर और थोड़ा डरावना है ये प्लेस, और 5:30 बजे तक ही स्पॉट खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो अगर आप आएंगे तो टाइम ज़रूर थोड़ा सोच के आइएगा। हो गया है धारागिरी भी घूमना, अभी हम रिटर्न जा रहे हैं। तो बस यही दो जो टूरिस्ट प्लेस है मेरी यहाँ का आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी दिसंबर महीना चल रहा है, पिकनिक का सीजन है, कभी भी टाइम निकल के आ जाइएगा और घूमिएगा, बहुत अच्छा प्लेस। तो आशा करती हूँ मेरी ये ट्रैवल ब्लॉग वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में जो कि घूमना चाहते हैं नियर कोई प्लेस पे। कलकत्ता से अगर आप आओगे तो आपको आने में जितना वक्त लगेगा बस उतना ही, स्टेशन से यहाँ पे आने में आपको 30 मिनट्स टाइम लगेगा। बहुत डिटेल्स में हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर किया, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई है। और अगर आप लोगों को प्लेस अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा, और चैनल छोड़ने से पहले मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरीके की आगे भी और वीडियो आप देखना चाहते हो
तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकॉन के साथ। तो आज चलती हूँ, कल फिर से मुलाकात होगी कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए। बाय बाय एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फूडी गाइस। बाय बाय।